बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 1.6 डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इस तरह से है कि व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया हुआ है, जो है वो फार्मूला जो है वो दिया हुआ है न्यूमेरिकल नंबर 1.6। इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। जो ग्रेविटेशनल फार्मूला है एफ इज़क्ल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसमें से जी और जी का जो यूनिट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.6 और ये कुछ इस तरह से है कि व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फार्मूला आ गया वो कुछ इस तरह से है कि न्यूमेरिकल है 1.6, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। जो गिवन इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से हम जी को अलग कर लेते, जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, एफ आर स्क्वायर और एम वन एम टू दोनों इसके नीचे चले जाएंगे, एम वन एम टू। दिस इज़ इक्वेशन नंबर वन। इस इक्वेशन में से इसका डायमेंशन भी बन सकता है और यूनिट भी बन सकता है। पहले हम डायमेंशन की बात करते हैं, पहले हम यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ जी। अच्छा, जी का अगर आप यूनिट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एफ आर एम वन एम टू सबके यूनिट्स का पता होना चाहिए। एफ फोर्स है और उसका यूनिट न्यूटन होता है, रेडियस का यूनिट मीटर होता है, स्क्वायर ऊपर एज इट इज़ रहेगा, एम वन मैस है, एम टू मैस है, दोनों के यूनिट किलोग्राम किलोग्राम, तो ये किलोग्राम स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस टू हो जाएगी। अच्छा, याद रहे ये इसकी एस आई यूनिट है, ये भी बेस यूनिट नहीं निकली, एस आई यूनिट है। अगर आप इसकी बेस यूनिट निकालना चाहते हैं तो बेस यूनिट जो होगी, बेस यूनिट ऑफ जी दैट इज इक्वल टू, न्यूटन की जगह आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू ये वाला मीटर स्क्वायर और साथ ये किलोग्राम माइनस टू एज इट इज़ आएगा। अच्छा, अब किलोग्राम और किलोग्राम किलोग्राम और ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ इसकी पावर वन है, यहाँ इसकी पावर माइनस टू है, उसके बाद मीटर, मीटर की पावर है यहाँ वन और यहाँ पे टू, इसी तरह सेकंड माइनस टू। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा किलोग्राम माइनस वन, मीटर थ्री, सेकंड माइनस टू। दैट इज़ योर बेस यूनिट्स, किलोग्राम माइनस वन, मीटर क्यूब, सेकंड माइनस टू इज़ द बेस यूनिट। अच्छा, अब हम इस बेस यूनिट को यूज़ करते हुए हम डायमेंशन बना सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ जी वो क्या होगी, किलोग्राम को हम रिप्लेस करते हैं एम के साथ और पावर ऊपर एज इट इज़ रहेगी, मीटर को हम रिप्लेस करते हैं एल के साथ, पावर ऊपर एज इट इज़ रहेगी, सेकंड को हम रिप्लेस करते हैं टी के साथ, पावर ऊपर एज इट इज़ रहेगी। अच्छा है, तो इसको हम फाइनली इस तरह से लिख सकते हैं, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, दैट इज़ इट। ये हो गई इसकी डायमेंशन और दिस इज़ इट्स डायमेंशन। और ये जो हमने यहाँ पे निकाला था ये इसकी एसआई यूनिट थी और ये वाली इसकी बेस यूनिट्स, दैट्स इट।